सतना कलेक्टर बंगले में रविवार की सुबह कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए खुशियों के नए रंग लेकर आई। इन बच्चों ने कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के साथ होली मनाई, रंग गुलाल के साथ मस्ती की। बच्चे जब वापस लौटे तो उनके हाथों में गिफ्ट और चेहरों पर खुशी भरी मनमोहक मुस्कान नजर आई। उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग तथा बाल कल्याण समिति ने कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की विशेष पहल पर रविवार को कलेक्टर बंगले में बाल रंग बच्चों की संग होली का आयोजन किया गया था। यह आयोजन कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए था, जिसमें शासन की योजना के तहत उनके संरक्षण पालन पोषण में सहयोग कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए थे। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, उनकी पत्नी और उनकी नन्ही बेटियों ने इन बच्चों पर पुष्प वर्षा कर गुलाल लगाया। अपर कलेक्टर राजेश शाही, डीपीओ सौरभ सिंह, पीआरओ राजेश सिंह, श्याम किशोर द्विवेदी, सीडब्ल्यूसी की जाह्नवी त्रिपाठी, राधा मिश्रा के अलावा बिरला सीमेंट और प्रिजम सीमेंट के प्रतिनिधियों ने भी बच्चों को गुलाल लगाया, होली की शुभकामनाएं दी। बाल रंग के अवसर पर बच्चों के लिए कलेक्टर बंगले में पॉपकॉर्न, गुड़िया के बाल, आइसक्रीम का भी इंतजाम था। बच्चों ने झूलों पर भी खूब मस्ती की। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी एक फिल्म भी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाई गई। इस दौरान बच्चों के साथ कलेक्टर और उनकी पत्नी ने तस्वीरें भी खींचवाई। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि महामारी ने इन बच्चों के परिजन इनसे भले ही छीन लिए हों, लेकिन प्रशासन इनके अभिभावक की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उनकी देखरेख शिक्षा दीक्षा का प्रबंध तो किया ही गया है, त्योहारों पर खुशियां भी इनके साथ बांटने में पीछे नहीं हटेगा। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर मन आनंदित होता है, लगता है कि कुछ किया। महिला एवं बाल विकास विभाग और सीडब्ल्यूसी को बाल रंग का आयोजन करने के लिए कहा गया था। इसके पूर्व इन बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां भी बांटी गई थी। हमारी कोशिश है कि हर त्योहार इन बच्चों के साथ मनाए जाएं। सतना मध्य प्रदेश से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।